भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा ही मोदी सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते ही रहते हैं, लेकिन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनके सुर और भी ज्यादा बुलंद हो गए हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी देते हुए एक ऐसे युवा नेता की जयकार कर दी है जो कि बीजेपी को रास बिल्कुल नहीं आएगी। सिन्हा ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए सावधान होने की बात कहते हुए कहा है कि अब अर्जुन आ रहा है। अर्जुन से उनका मतलब है राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव से। सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने एनडीए गठबंधन को घेरे में लेते हुए ट्वीट किया है, चुनावी मौसम आते ही एनडीए के लोग घड़ियाली आंसू बहाने लगे हैं। पटना साहिब से सांसद सिन्हा ने तंज कसते हुए कहा, बिहार और केंद्र जब दोनों ही जगह पर एनडीए की सरकार है तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग आखिर क्यों कर रहे हैं। सिन्हा ने ट्वीट करके कहा, एनडीए गठबंधन के मित्रों अपने राज्य बिहार के लिए काम करना और बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कीजिए, नहीं तो तेजस्वी यादव रूपी अर्जुन कब्जा करने को बिल्कुल तैयार है। सिन्हा ने कहा है कि तेजस्वी की चुनौती अब पूरे बिहार में गूंजने लगी है। जय बिहार जय हिंद कहते हुए उन्होंने अपनी बातों को खत्म किया है। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।